ये कहानी है तीन लोगों की, जिसमें से डेन और जेलीज, डेन के गर्लफ्रेंड का नाम है पार्कर, और ये तीनों के तीनों एक स्केटिंग रिसोर्ट पे आए हैं क्योंकि ये सब स्केटिंग करना चाहते हैं। डेन अपने गर्लफ्रेंड पार्कर को बोलता है कि तुम उसके लिफ्ट अटेंडेंट के पास जाओ और उसे कहो कि मैं अपना क्रेडिट कार्ड पेट्रोल पंप पर भूल गई हूँ और मेरे साथ दो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्हें मैंने स्केटिंग करवाने का वादा किया था, और तुम हमें $50 में 3 टिकट्स दे दो। हालांकि पार्कर जाना नहीं चाहती, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे चली जाती है। वहां जाकर पार्कर लिफ्ट अटेंडेंट्स को मना लेती है। वो कहती है कि मेरे साथ मेरे दो फ्रेंड्स हैं जिन्हें मैंने वादा किया था कि मैं उन्हें स्केटिंग कराऊंगी। अटेंडेंट्स उन्हें 3 टिकट्स दे देता है। तीनों के तीनों अब माउंटेन के ऊपर जाना शुरू करते हैं, और जब ये रास्ते में होते हैं तो इनकी लिफ्ट रुक जाती है। दरअसल वहां पे जितने भी लिफ्ट्स होती हैं सबके सब रुक जाती हैं, और लोग वहां पे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। पार्कर को ऊंचाई से डर लगता है, वो डरने लग जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। थोड़ी देर बाद लिफ्ट दोबारा शुरू हो जाती है और ये तीनों के तीनों अब माउंटेन पे पहुंच जाते हैं। ये वहां पर बहुत इंजॉय करते हैं और स्केटिंग करते हुए धीरे धीरे नीचे उतर जाते हैं, और नीचे आने के बाद ये एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। लेकिन लीज को स्केटिंग करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता क्योंकि पार्कर को स्केटिंग करना नहीं आता और वो बार बार गिर रही थी, इसलिए इन्हें रुक रुक के आना पड़ता है। और अब एक बार लीज एक बार फिर से स्केटिंग करना आता है। हालांकि पार्कर इनके साथ नहीं जाना चाहती। लीज को वही लड़की मिलती है जो उससे पहले मिली थी, और वो उससे माफी मांग रही होती है। लीज कहता है कि कोई बात नहीं, और वो तीनों लिफ्ट में बैठकर चले जाते हैं। वहां का जो लिफ्ट अटेंडेंट होता है वो कहता है कि लिफ्ट बंद हो चुकी है, हमें सूचना मिली है कि तूफान भी आने वाला है, इसलिए हमने लिफ्ट बंद कर दी है। लेकिन वो तीनों जबरदस्ती लिफ्ट में बैठकर चले जाते हैं। लिफ्ट अटेंडेंट को कहीं जाना होता है तो दूसरा अटेंडेंट आता है और वो कहता है कि तीन लोग अभी अभी गए हैं, उन्हें वापस आ जाने दो। तभी लिफ्ट अटेंडेंट को तीन लोग वापस आते दिखते हैं तो वो लिफ्ट को बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। अब इनके लिफ्ट रुक जाती है और ये तीनों के तीनों घबरा जाते हैं, लेकिन ये समझ जाते हैं कि अब कुछ ही समय में लिफ्ट चलने लगेगी, कोई मजाक कर रहा है। लेकिन ज्यादा समय बीत जाने के बाद लिफ्ट स्टार्ट नहीं होती। सारे लोग मान जाते हैं कि सभी लोग चले गए हैं और एक हफ्ते के लिए स्केटिंग रिसोर्ट बंद हो चुका है। लेकिन तभी एक कार आती है जिसे देखकर तीनों के तीनों आवाज देते हैं, लेकिन बर्फबारी के वजह से उसे सुनाई नहीं देता और वो वहां से चला जाता है। अब उनमें से डेन होता है, वो कहता है कि अब मुझे लिफ्ट से कूद कर नीचे जाना होगा क्योंकि यहाँ पर एक हफ्ते तक कोई नहीं आने वाला, और वो लिफ्ट से कूद जाता है जिसमें उसकी ऊंचाई की वजह से दोनों पैर में हड्डियां बाहर निकल जाती हैं। उससे बहुत दर्द होता है, अब वो हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन तभी वहां भेड़िए आ जाते हैं जो उसे मार देते हैं। अब ये दो लोग बचे हैं और सुबह हो जाती है, और इन दोनों में जो लीच होता है वो लिफ्ट के तार के सहारे सीढ़ी तक पहुंच जाता है। उसके नीचे बहुत सारे भेड़िए होते हैं और वो उतरते ही स्केटिंग बोर्ड पर बैठकर वहां से निकल जाता है, और भेड़िए भी उसके पीछे चले जाते हैं। अब पार्कर को लिफ्ट में 2 दिन हो चुके होते हैं, लेकिन अब जो लिफ्ट का लेफ्टिनेंट होता है वो लिफ्ट से निकल जाता है और लिफ्ट नीचे आकर गिरती है। तभी वो लिफ्ट से कूद जाती है और वो देखती है कि लिच को भेड़ियों ने अपना शिकार बना लिया है, और वो भेड़ियों के आगे से निकल जाती है और सड़क पे सो जाती है। आगे हमें वो कार में बैठकर जाती हुई दिखाई देती है, और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और भी मूवीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।